ये वाले पढ़ रहे थे अपन, पढ़ के तो आए होंगे सारे आप कि नहीं आए? ईमानदारी से लिखो आगे बापा रावल। मूल नाम कालभोज, मूल नाम कालभोज, इससे पहले अगली लाइन में लिखना, इससे पहले महेंद्र द्वितीय नाम का शासक हुआ, अगली लाइन, बापा रावल नागदा गांव में, बापा रावल नागदा गांव में कौन से ऋषि की, हारित ऋषि की गाय चराते थे, चाय कैसी थी, गर्म थी कि ठंडी थी? हारित ऋषि की गाय चराते थे, उन्हीं के कहने पर एकलिंग जी की पूजा की, अगली लाइन, इसके बाद संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, इसके बाद संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और वीर विनोद के लेखक, और वीर विनोद के लेखक कौन है? कवि राजा श्यामल दास के अनुसार, और वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास के अनुसार ईस्वी में ईस्वी में मान मोरी को हराकर, 734 ईस्वी में मान मोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया, कौन से गढ़ पर? इसलिए अगली लाइन याद रखना सारे, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक लिखो, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बापा रावल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? संस्थापक किसको कहते हैं? गुहादित्य। वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? बापा रावल को कहते हैं। यहीं से मेवाड़ के शासक स्वयं को, यहीं से मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग दीवान कहने लगे, क्या कहने लगे? यहीं से मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग दीवान कहने लगे। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि प्रथम एकलिंग दीवान कौन था तो क्या करोगे? अगली लाइन में लिखो, प्रथम एकलिंग दीवान बप्पा नीन बापा, पापा का पप्पा, बापा का बप्पा। प्रथम एकलिंग दीवान कौन था? वापस बप्पा।
मर जाओगे मेरे हाथ से किसी दिन। अब इधर ध्यान देना, सारे कॉपी करो बंद अपनी फटाफट। यहां तक कल मैंने बता दी थी बात, सुनना ध्यान से सारे। अब अगली बार बापा रावल के जीवन में जो भी परिवर्तन आया था वो किसके वजह से आया था भाई? महादेव की वजह से आया था। तो उनका मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो बापा रावल ने, एक गांव है उदयपुर से जस्ट थोड़ा सा पास में ही, आप लोग गए हुए होंगे, नाम है उसका कैलाशपुरी। क्या नाम है? कैलाशपुरी। गांव में कौन किसका मंदिर बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? बापा रावल ने बनवाया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस मंदिर का निर्माण बापा रावल ने करवाया हो, मान लो ये मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवा दिया? बापा रावल ने। लेकिन उसका जो परकोटा है, क्या है परकोटा? मतलब चारों तरफ की बाउंड्री। उस परकोटे का निर्माण महाराणा कुंभा के पिताजी ने करवाया था, जिनका नाम है महाराणा मोकल। क्या नाम है? और इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, जनरली ऐसा होता है, ऐसे होता ना, महिलाओं को पता होगा ज्यादा पूजा करते हैं महादेव की, तो जनरली शिवलिंग जो होता है वो ऐसा होता है, लेकिन वहां पर ऐसा शिवलिंग नहीं है। वहां पर जो शिवलिंग है उसके चार मुख है। कितने मुख है? इधर भी एक चेहरा बना हुआ है, इस तरफ भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, और एक पीछे भी बना हुआ है। जैसे अशोक स्तंभ के अंदर चार शेर होते हैं, सेम वैसे का वैसे। इसलिए उसको कहा जाता है चतुर्मुखी शिवलिंग। कैसा शिवलिंग है वो? चतुर्मुखी शिवलिंग। और ये जो चतुर्मुखी शिवलिंग जो लगवाया था वो सांगा के पिताजी ने लगवाया था, जिनका नाम है महाराणा रायमल। क्या नाम है? महाराणा रायमल। तो मंदिर किसने बनवाया? बापा रावल ने। परकोटा किसने बनवाया? मोकल ने। चतुर्मुखी शिवलिंग किसने लगवाया? रायमल ने। आगे अपने को मोकल भी पढ़ना है, आगे अपने को रायमल भी पढ़ना है। तो जब ये दोनों पढ़ेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा, तो आप लोग मुझे बताओगे कि नहीं बताओगे? हुकारा भर रहे हो फिर याद रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं पूछूंगा। और अगर किसी ने नहीं बताया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ये बात भी ध्यान रखना। पक्की बात है, बताओगे? परकोटा बनाया था मोकल ने, चतुर्मुखी शिवलिंग किसने बनाया था? रायमल ने। ठीक है, कैलाशपुरी गांव में, ये बात भी याद रखना। इस बार रीट वाले में भी आया था, मेंस के अंदर एसएसटी में, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बापा रावल ने। हालांकि इजी क्वेश्चन है, पर सभी को क्या रखना है? याद रखना है। कौन कौन गया हुआ है वहां, हाथ खड़ा करो। देखे एक दो तीन, नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा, ईमानदारी से। एक दो तीन चार पांच छह जने बस इतने गए, वो बाकी सारे कोई नहीं गए। नहीं गए? जाना पास में ही है, टनल देखी? टनल, टनल से थोड़ा सा आगे जाओगे, 10 मिनट का रास्ता, बड़ा अच्छा स्थान है, जाके आना। मिर्ची बड़े वहां के बड़े फेमस है, तो खा के आना, और चारण सर के लिए 3-4 लेके आना। तो वहां पर जब आप जाओगे ना, जो जो गया होगा उसको ये पता होगा कि वहां जब अपन एंट्री करते हैं तो पहले तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ आता है जिसके ऊपर सारी बातें लिखी हुई है। मैंने कल बताई भी थी, कमल अधिपति, कमल का फूल चढ़ता है वहां पर, मेद पाटेश्वर, मेवाड़नाथ, एकलिंग जी का निजी मंदिर। फिर आप अंदर जाते हो, अपन जैसे एंट्री करते हैं तो वहां बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई होती है जो फूल मालाएं बेचने के लिए आई होती है, भैया 10 रुपए, भैया 5 रुपए, इस प्रकार से। फिर अपन और आगे जाते हैं तो एक गली आती है, गली आती है, और गली को जब आप पूरा पार करोगे तो ऐसा टर्न आता है, एक आता है इस तरफ। तो जैसे आप टर्न करते हो ना, तो सामने एक बड़े से आदमी की प्रतिमा खड़ी है, खड़ी है, जो बहुत ऐसे लंबे हाइट में, बड़ी बड़ी उनकी मूछे, और वो शिवलिंग के सामने इस प्रकार से खड़े हैं। वो व्यक्ति कौन है? बापा रावल है। फिर वहां से थोड़ा आगे जाओगे तो नंदी जी बैठे हुए होते हैं, जिसके कानों में पता नहीं लोग क्या बोलते रहते हैं, दूसरे कान के हाथ लगाकर, ताकि उधर से बात बाहर नहीं जाए। तो वो बोलते रहते हैं लोग, वो नंदी जी खुद परेशान है, इतने लोग आके इतनी बातें बोलते, किस किस की मानी जाए। तो फिर जब आप एंट्री करते हो, आगे जाते हो, तो जो मंदिर का मेन गेट आता है ना, तो उसके ऊपर की तरफ आप देखना, एक ऋषि का चित्र बना हुआ है। वो ऋषि हारित ऋषि है। कौन से ऋषि है? फोकस करना, जाके अपन आ जाते हैं, अपन इतना ध्यान देते नहीं है, लेकिन अगली बार जब भी तुम्हें जाने का मौका मिले तुम उसको देखना, वो हारित ऋषि है। फिर आप उससे आगे जाओगे तो सामने एक प्रतिमा है शिवलिंग की, जो चतुर्मुखी प्रतिमा लगी हुई है, जो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो उस एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण तत्कालीन समय के अंदर बापा रावल ने करवाया था, 748 ईस्वी के आसपास में थे। कितने साल हो गए उस बात को? 1600 साल। कितने साल हो गए? 2300 चल रहा है अभी। 1600 साल पहले बनवाया था, परकोटा मोकल साहब ने बनवाया था,
और इसकी जो चतुर्मुखी प्रतिमा है वो किसने लगवाई थी? रायमल जी ने लगवाई थी। तो ये बात याद रखना बापा रावल के अंदर। आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, किसकी किताबें हैं? अपने जो स्कूलों के अंदर चलती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिखते हैं? मासिबो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें तो किताबों के अंदर ऐसा लिखती है और यहां तक लिखती है कि बापा रावल ने पश्चिमी भारत के सभी राजाओं का एक संघ बनाया था। क्या बनाया था? संघ। और संघ बनाने के बाद में भारत के अंदर तत्कालीन समय में जो अरब आक्रमण हो रहे थे, कौन से आक्रमण? तो वे सिंध प्रांत तक तो हुए थे। सिंध कहां पड़ता है भाई? पाकिस्तान में चला गया। सिंध प्रांत तक तो होते, लेकिन सिंध प्रांत से आगे उन्हें नहीं आने देने वाला शासक कौन था? बापा रावल। इन सभी राजाओं का संगठन बना के उसने उस अरब आक्रमण को क्या कर लिया था? रोक लिया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कहता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहता है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर एक नगर है जिसका नाम है रावलपिंडी। क्या नाम है? जहां से एक क्रिकेट का खिलाड़ी आया करता था पहले, जिसका नाम है शोएब अख्तर, जिसे लोग रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा करते थे। तो पिंड का मतलब पंजाबी भाषा के अंदर होता है गांव, और रावल का मतलब कि बापा रावल ने उस गांव को बसाया था, तो वो रावल पिंड था, और फिर वहां से क्या हो गया? वो रावल पिंडी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब ये भी कहती है कि उस नगर को बसाने वाला शासक भी कौन था? बापा रावल था। तो ये बात भी आप थोड़ी सी याद रख लेना। इसके बाद में बापा रावल ने शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था। कैसा सिक्का? सोने का सिक्का, जिसका जो वजन था वो 115 ग्रेन था। कितने ग्रेन? ग्रेन का मतलब होता है गेहूं। क्या होता है? तो एक हाथ के अंदर तो मैं 115 गेहूं के दाने रखूं, या एक तराजू के अंदर तो मैं 115 गेहूं के दाने रखूं और एक तरफ उस सोने का सिक्का रखूं, तो दोनों का वजन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 115 ग्रेन सोने का सिक्का भी किसने चलाया था? बापा रावल ने। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है सीवी वैद्य। क्या नाम है? उन्होंने इस बापा रावल को गुहिलो का चार्ल्स मार्टल कहा है। क्या कहा है? गुहिलो का चार्ल्स मार्टल। जैसे कर्नल टोड ने कहा था कि राठौड़ों का यूलिसेस कौन है? दुर्गादास राठौड़। तो इसी प्रकार से यूरोप के अंदर एक विद्वान हुआ था, एक ऐसा योद्धा हुआ था जिसका नाम क्या था? चार्ल्स मार्टल। सीवी वैद्य को ऐसा लगता है कि गुहिल वंश का जो चार्ल्स मार्टल था उसके समान जो योद्धा था वो कौन था? बापा रावल। इसलिए सीवी वैद्य ने इसको गुहिलो का क्या कहा है? चार्ल्स मार्टल कहा है। याद रह जाएगी बात। बापा की मृत्यु नागदा गांव के अंदर होती है, उससे जस्ट 1.5 किलोमीटर पास में आज भी बापा की समाधि बनी हुई है, और उस जगह का नाम भी लोगों ने बापा रावल ही कर दिया है। क्या कर दिया है? बापा रावल। तो मंदिर का निर्माण भी बापा रावल करवाते हैं। चित्तौड़ को जीतने वाले वो थे, प्रथम एकलिंग दीवान वो थे। सीवी वैद्य ने इनको चार्ल्स मार्टल कहा था। सोने का सिक्का चलाया जो कितने ग्रेन का था? 115। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें ये सारी बातें बताती है। याद रह जाएगी बात। कुछ नहीं है, वो सब खालीपन है उधर, इधर ध्यान दो आप। तो ये सब कौन करता है? बापा रावल।